What's up everyone, this is me Pratik Sharma, welcome to the channel The Man With The Beard, and this is a reaction video or a review video, you can say, ठीक है, तो मैंने अभी डाउनलोड करी थी फौजी, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर आई बटन पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, वहाँ जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। सो ये जो वीडियो है, मैं इसे पूरा प्रोसेस बताऊँगा, मैंने डाउनलोड वगैरह किया, और उस डाउनलोड करने के बाद उसका जो रिव्यू रहा, उस रिव्यू के बाद रिव्यू में शेयर करूँगा कि वो कैसा रहा, मतलब पबजी वगैरह के एक्सपीरियंस में वो गेम किस तरह की रही, जब फ्री फायर के एक्सपीरियंस में वो कैसी रही। सो वो सारा आगे मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा। सो नाउ यू कैन सी माई मोबाइल स्क्रीन। तो गाइस, जैसे कि आप मेरी ये मोबाइल की स्क्रीन देख सकते हैं, इस मोबाइल की स्क्रीन में अभी मैंने डाउनलोड किया है। आप नॉर्मली सर्च करेंगे तो आपको ये प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, और मैंने इसको डाउनलोड किया और यहाँ से ये गेम स्टार्ट होता है एनकोर। एंड आगे फर्स्ट लुक, यहाँ पे कुछ बताया गया है कि इसके अंदर से पबजी के अंदर होता था कि क्या क्या वेपन्स वगैरह, ये वेपन्स वगैरह बताया गया है इसके अंदर बेसिकली। और यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, इनका सिर्फ एक ही अभी ये इसमें बैटल ग्राउंड वगैरह नहीं है, नॉर्मल प्ले है स्टार्टिंग में, जो हाईलाइटेड हो रहा है येलो कलर से। ये इसका ट्रेलर है, स्टार्टिंग में स्टोरी बताएगा। दोपहर 2 बजे गलवान घाटी, हिमालय की ऊंचाइयों पर, भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका। कॉर्पोरल अहमद, बेस को खबर देते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदारद है। सर, देखिए, वहाँ और भी है। पर्वतों पर उस दिन फौजी कमांडोज अकेले नहीं थे, दुश्मन सैनिकों ने गिरते पत्थरों की आग लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। कमिंग बेस कैंप, स्क्वाड 3 का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों से सामना हुआ। रिपीट, स्क्वाड 3 का दुश्मनों से सामना हुआ। लेफ्टिनेंट सिंह की पेट्रोल 3 टीम को जिस आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा, वो थे भूस्खलन से गिरे पत्थर और चट्टान, और फिर अंधेरा छा गया। 6 घंटे बाद जब लेफ्टिनेंट सिंह की आंख खुली तो उनका सर चकरा रहा था। पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोंचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद, ढिल्लो, रवि। फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती, और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी। फौजी, सो लेट्स स्टार्ट द गेम। ये इसका फर्स्ट इंटरफेस है जब गेम स्टार्ट होता है गाइस। जो ट्रेलर था उसको आप स्किप भी कर सकते हो, उसमें स्किप का एक ऑप्शन आ रहा था ऊपर। यहां से ये गेम स्टार्ट होता है, लेफ्ट राइट अप डाउन फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये सारे ऑप्शन दिए हुए लेफ्ट साइड में, एंड पंच का ऑप्शन दे रखा है। Bang on, man. ये फिंगर से पॉइंट भी किया जा रहा है कि आप किस बटन का किस तरह से यूज कर सकते हो। बहुत बढ़िया, ये आगे जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे क्या है कि जैसे आप ऊपर देख सकते हो कि एनर्जी अगर कम हो तो यहाँ पे ये बना हुआ है बॉनफायर, इसमें आप साइड में बैठकर अपनी एनर्जी रीगेन कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे वो एरो बना रखा है कि वहाँ पे सिट हो गए, लेफ्ट साइड पे आपको जैसे एरो नजर आ रहा है उस रॉक के ऊपर, और यहाँ पे बैठ कर ये बैठ गया, और ऊपर देखना है जो एनर्जी है वो और बूस्ट हो जाएगी इनकी, और ऑटोमेटिक ये उसके बाद रिज्यूम हो जाएगा गेम, और नीचे वो रिफिल हो रही है। ये ऑटोमेटिकली रिफिल हो गई सारी एनर्जी, और अब ये आगे मूव कर रहे हैं। ये मैं फर्स्ट टाइम खेला तो थोड़ी मेरे को भी कंफ्यूजन हो रही थी कि
मेरे को पबजी वाला लग रहा था कि मतलब मैं कहीं पे भी जंप कर सकता हूँ या कहीं पे भी ट्रक वगैरह पे जा सकता हूँ, बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था। मैंने ट्राई किया बट वो एक ही डायरेक्शन में जाना पड़ता है जहाँ पे जैसे वो एरो शो हो रहे हैं सामने। ये एनिमी आ गया यहाँ पे, ये ले ये ले ये ले बेटा ये ले। बहुत अच्छे। अब इसके अंदर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि दूसरा बंदा देख क्यों रहा है, नहीं तो पबजी के अंदर तो इतने में हेडशॉट लग जाता था। अगर हम एक से फाइट कर रहे हैं और हमने थोड़ी सी भी चूक करी और वो कहीं से भी एक बुलेट आती थी और आपका गेम ओवर, बट इसके अंदर इस तरह का कुछ भी देखने में नहीं आया। मतलब काफी इजी लगा मेरे को, इसमें कुछ नहीं करना, वो सामने खड़ा हुआ है ना, वो कुछ पंच कर रहा है मेरे को ना कुछ कर रहा है। और ये फर्स्ट राउंड इसका हुआ है। और ये आगे बढ़ते हुए ये वेपन मेरे को मिल गया एक, ये लेवल एक लेवल अप हो गया मेरा। ये यहाँ से एक और गेम स्टार्ट होगी मेरे ख्याल से। बहुत सही। तो मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं, जहां एक घुसपैठिया होता है वहां और भी होते हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पे ज्यादा एनिमीज आ गए हैं। उसके अंदर तो एक दो थे, इसमें तो तीन चार इकट्ठे आ गए हैं। बट आप देख सकते हैं कि वो सामने दो खड़े हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो खड़े ही हुए हैं, सिर्फ पिटने के लिए तैयार हैं वो। ये तो कह रहे कि आओ और मुझे मारो। बट इसमें एक बताऊं, वॉइस ओवर जो है, वॉइस ओवर बहुत अच्छा किया गया है। मतलब गेम में आपका कॉन्सेंट्रेट बना रहेगा। ये खुद से पिटाई खाते हुए, हाँ यहाँ से फिर से हील होएंगे, यहाँ पे एनर्जी फिर से बूस्ट होगी। ये तो आप देख चुके हो, तो मैं आपको इस गेम के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। बेसिकली क्या है कि ये जो गेम है, मतलब मैंने जैसे इससे पहले फायर फील्ड या पबजी वगैरह काफ़ी खेला है, तो उसके कंपैरिजन का गेम नहीं है। जैसे वो बैटल ग्राउंड वगैरह है, इसमें ऐसा कुछ बैटल ग्राउंड वगैरह नहीं है, ये नॉर्मल गेम है बिल्कुल। आप जैसे देख ही सकते हो कि अगर एनिमी भी सामने से आते हैं तो तीन चार भी आते हैं, तो तीन खड़े रहते हैं, एक पिटता रहता है, जब वो पिट के मर जाता है तो दूसरा आ जाता है पिटने के लिए। तो मतलब मेरे को तो ये काफ़ी लो लेवल कहेंगे, मतलब स्टार्टिंग जैसे होता है बच्चों का, वो वाला गेम लग रहा है। कि जैसे पबजी वगैरह तो काफ़ी हाईटेक गेम था, कि उसमें तो कहीं से भी आपने थोड़ी सी भी मिस हुए और कहीं से भी एक बुलेट आती थी आपके हेडशॉट या कैसे आपको टारगेट करके आप उसमें मर सकते थे। बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सीधा सीधा चलते रहो, कोई बैटल ग्राउंड वगैरह नहीं है। या तो अभी ये स्टार्टिंग है तो इन्होंने अभी डेवलप नहीं हुआ ये गेम अच्छी तरह से, तो इसमें तो नॉर्मली अब ये देखो पीछे खड़ा हुआ है आराम से, कोई कुछ नहीं कर रहा है, नॉर्मल मारे जा रहे हैं वो। मेरे को नहीं समझ आता कि अगर ये गेम बनाया था तो इनको थोड़ा सा एडवांस करना चाहिए था इसको, जब इनको पता है कि इनके कंपटीशन में पबजी या फायर फ्री जैसे बड़े गेम्स हैं और उनके कंपैरिजन में अगर ये फौजी निकालने से, तो थोड़ा इनको डेवलप करके निकालना चाहिए था, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। तो इसमें काफ़ी बग्स फिक्स होने चाहिए और काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अभी इस गेम को, अकॉर्डिंग टू मी, जिस तरह से मैंने गेम ये प्ले किया, जब मैंने समझा इसको। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड मोर वीडियो विल कम सून। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।